नमस्कार। आज हम हमारा बेसिक मैथ्स थोड़ा सा और अपग्रेड करते हैं। आज हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसके जीरोस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसके फैक्टर्स किस तरह से निकालते हैं। वो शुरुआत करने से पहले हम उसका भी बेस ले लें। एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल, हमारा जो सेंटेंस फॉर्म है, सेम साइन एडिशन, ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, बिगर डिजिट साइन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल, ओड टाइम नेगेटिव, इवन टाइम पॉजिटिव। ब्रैकेट ओपनिंग रूल, हाउ टू ओपन ब्रैकेट, आउटसाइड प्लस नो चेंज, आउटसाइड माइनस ऑल चेंज। ओके, ये हमारे बेसिक रूल्स हुए। दूसरा आता है फैक्टर्स। किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स निकाला तो फैक्टर एंड प्राइम फैक्टर्स, उस दोनों में डिफरेंस है। प्राइम फैक्टर यानी फाइनल आंसर में सभी प्राइम नंबर्स होने चाहिए, उसको प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। जैसे कि अगर 12 की बात करें तो 12 में 2, 6, 2, 3 and 3, 1। तो ये 12 मींस 2, 2 and 3, यानी 12, और ये 2, 2 and 3 जो है वो 12 के प्राइम फैक्टर हुए। क्या फैक्टर हुए, कैसे फैक्टर हुए? प्राइम फैक्टर्स। और जब सिंपल फैक्टर्स की बात कही जाए तो 12 किस किस के टेबल में आता है वो देखने का। तो शुरुआत 1 से करो, 1 into 12। ओके, अभी 2 का रन, 2 के टेबल में 12 आता है, यस, 2, 6 are 12, मींस 2 and 6। नेक्स्ट 3, 3 के टेबल में 12 आता है, यस, 3, 4 are 12। 4 के टेबल में आता है, यस, कब? 4, 3 are, बट वो यहां पे रिपीट हो गया, 4, 3 are 12, रिपीट हो गया, छोड़ दो, दोनों सेम नंबर आ जाए, छोड़ दो। ये 12 के फैक्टर हो गए। 12 के फैक्टर कौन कौन से हुए? 1, 2, 3, 4, 6 and 12। एवरी टाइम कोई भी नंबर हो उसके दो फैक्टर्स तो होते ही हैं, एक 1 और एक वो खुद। ओके, जिसके दो फैक्टर हो उसे कहते हैं, जिसको दो से ज्यादा फैक्टर्स हो उसको कॉम्पोजाइट नंबर्स कहते हैं। ओके, तो यहां पे 1, 2 and 3, 4, 6 and 12 में हमने देखा कि ये 12 के फैक्टर हुए। अगर दूसरा एग्जांपल लें 15, तो 15 यानी 1 into 15। नेक्स्ट 15 into 1, वो तो होता ही, उसके अलावा 2 के टेबल में 15 आता है, नो, 3 के टेबल में, यस, 3, 5 are 15, 4 के टेबल में, नो, 5 के टेबल में, यस, कब? 5, 3 are, वो रिपीट हो गए। तो यहां पे आंसर आ गया, 15 के दो ही फैक्टर्स निकलेगी, मींस दो ही पेयर बनेगी, 1 into 15 and 3 into 5। तो इसको कहते हैं फैक्टर्स। ओके, हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस समझने जा रहे हैं उसमें ये एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट बजाता है। तो अभी समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व होता है। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल लें x² + 5x + 6, ये समझो क्वेश्चन है। इसके मुझे वेक्टर्स निकालने हैं या रूट्स फाइंड आउट करने हैं या जीरोस फाइंड आउट करने हैं, वो मुझे करना है। द्विघात, द्वि यानी दो, घात यानी पावर, जिसकी दो पावर है उसको द्विघात समीकरण कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसके फैक्टर्स निकालना, इसकी वैल्यू निकालना, उसके जीरोस फाइंड आउट करना, उसके रूट्स फाइंड आउट करना, ओके, सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, वो सब कुछ आगे आगे आता है, बट इसका बेसिक ले लें। ओके, दूसरा सेम क्वेश्चन लेते हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस, x² - 5x - 6। अभी फ्रेंड्स, इस दोनों इक्वेशन में फर्क कहां पे है? यहां पे वेरिएबल सेम है, x सेम है, उसके कोएफिशिएंट यानी 5 यहां पे कुछ नहीं तो 1, वो भी सेम है, x² - 5x - 6, 6, नो चेंज। यहां पे आउटसाइड कोई साइन नहीं, मतलब प्लस, यहां पे भी कोई साइन नहीं यानी प्लस, यहां पे भी प्लस, यहां पे भी प्लस,
चेंज कहां पे है? यहां पे इस इक्वेशन में प्लस है और यहां पे माइनस है। एक और लेते हैं, समझ लो कि भाई एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ओके, एंड एक और एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स। इस चारों चार में वेरिएबल सेम है, कोएफिशिएंट सेम है, बट साइन चेंज है। यहां पे प्लस माइनस, तो यहां पे प्लस माइनस माइनस माइनस, मतलब साइन में चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। ये चारों चार टाइप के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में होते हैं। इसके अलावा आगे माइनस होता है, वो डिफर होता है, बट इस चारों चार को हम समझते हैं। यहां पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो वन और ये सिक्स, मीन्स फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे वन, यहां पे सिक्स, वन सिक्स आर सिक्स, सेम सभी में होगा, ओके। अभी सिक्स के आपको फैक्टर्स निकालने हैं, सिक्स के फैक्टर्स निकालने के बाद आपको उसके ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि फैक्टर्स का यहां पे जो साइन है वो कर देगा। यहां पे क्या साइन है? प्लस। कौन से साइन है? प्लस। फैक्टर्स का प्लस करके ये मिडल टर्म का कोएफिशिएंट यानी फाइव। सिक्स के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि प्लस करके फाइव आए। सिक्स के फैक्टर्स कौन कौन से हैं पहले वो देख ले। सिक्स मीन्स वन इंटू सिक्स, एंड दूसरा टू इंटू थ्री, तीसरा थ्री इंटू टू, बट रिपीट हो गया, मीन्स दो ही पेयर बने। सिक्स के ऐसे फैक्टर्स कि प्लस करके फाइव आए, तो वन एंड सिक्स ले तो वन प्लस सिक्स सेवन हो गए, तो वो तो उसका फैक्टर नहीं हो सकता। दूसरी पेयर टू इंटू थ्री सिक्स, और टू प्लस थ्री फाइव, तो वो उसका आंसर हुआ। मीन्स करना क्या है, यहां पे कुछ नहीं तो वन और ये सिक्स, उन दोनों का मल्टीप्लाई, वन सिक्स आर सिक्स। सिक्स के फैक्टर्स निकाल लेने, उस फैक्टर्स में यहां पे जो साइन है मीन्स थर्ड टर्म की साइन, कोएफिशिएंट मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म जो है उसकी साइन प्लस है, तो फैक्टर्स के प्लस करके आपको उसके पार्ट करने हैं। सिक्स के ऐसे फैक्टर्स प्लस करके फाइव आए, थ्री इंटू टू, ओके। अभी लिखने की मेथड देख लो, सभी क्वेश्चन में सभी में इसी तरह से होगा, बट थोड़ा सा चेंज होगा। हम लिखने की स्टाइल देख लें, एक्स स्क्वायर ऐसे ही, उसको कहीं पे भी कुछ चेंज नहीं करना। प्लस सिक्स ऐसे ही, इसमें भी एक्स स्क्वायर ऐसे ही, प्लस सिक्स ऐसे ही, सेम हियर एक्स स्क्वायर ऐसे ही, माइनस सिक्स ऐसे ही, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स। चारों चार में मीन्स कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सभी में सेम रहता है, उसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना। ये लिखने की मेथड आपको अच्छे से देखनी है। अभी फैक्टर्स के आपके आपका जो सिक्स एंड वन है, उसके सिक्स, सिक्स वन सा सिक्स, उसके फैक्टर्स क्या निकले, टू एंड थ्री है, बीच में एक्स जुड़ा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, टू एक्स एंड थ्री एक्स, क्लियर। यहां पे देखो मैंने साइन नहीं लगाई, साइन नहीं लगाने ऐसे गलत, क्लियर। सिक्स के फैक्टर प्लस करके फाइव, तो टू इंटू थ्री सिक्स, टू प्लस थ्री फाइव। अभी हमने फैक्टर का क्या किया है, प्लस किया है, तो हमारा बेसिक रूल एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल क्या था, फिर से याद करो, सेम साइन एडिशन। अभी उसका रिवर्स जाओ, एडिशन मीन्स सेम साइन, ऑपोज साइन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मीन्स ऑपोज साइन, क्लियर। यहां पे आपने फैक्टर्स का प्लस किया है मीन्स एडिशन किया है, तो दोनों जो यहां पे टर्म बनी 2x एंड 3x, उस दोनों की सेम साइन होगी, सेम साइन एडिशन, तो उसका रिवर्स, एडिशन मीन्स सेम साइन। सेम यानी कौन सी, यहां पे 2x और 3x को हम सेम साइन देंगे, मीन्स या दोनों को प्लस देंगे या दोनों को माइनस देंगे, बट कौन सी, तो मिडल टर्म की साइन। मिडल टर्म में क्या है, प्लस, तो यहां पे हम क्या दे देंगे, दोनों को प्लस दे देंगे, ये हमारे फैक्टर्स हो गए। सेम यहां पे देखें, सिक्स के ऐसे फैक्टर निकालो, प्लस करके फाइव है, इस साइन को तो देखना ही है, साइन कौन सी, कॉन्स्टेंट टर्म की साइन इंपॉर्टेंट है। सिक्स के ऐसे फैक्टर प्लस करके फाइव है, आंसर तो वही आएगा, टू इंटू थ्री, मीन्स क्या लिखेंगे, टू एक्स थ्री एक्स, ओके। एडिशन मीन्स सेम साइन,
सेम यानी या दोनों को प्लस या दोनों को माइनस। तो यहां पे मिडल टर्म की साइन क्या है? माइनस। तो दोनों को क्या दे देंगे? माइनस। तो दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल रहा है, यहां पे प्लस है तो फैक्टर्स का प्लस करना है, 2 + 3 = 5। साइन दोनों में सेम, कौन सी? मिडल टर्म की। मिडल में प्लस है तो दोनों को प्लस, मिडल में माइनस है तो दोनों को माइनस। अभी इस दोनों में देखते हैं, सेम ही है, 6 और 1, कुछ यहां पे कुछ नहीं तो 1, 1, 6 और 6। 6 के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि माइनस करके 5 आए। अभी यहां पे फ्रेंड्स कॉन्स्टेंट टर्म की साइन क्या है? माइनस। तो माइनस करके 5 आए वैसे कौन सा? तो पेयर में देखो 1 × 6 = 6, 6 में से 1 निकालोगे तो 5 हो गया। मीन्स हमारा आंसर क्या हुआ? 6x + 1x। ये 1 ना लिखे तो चलता है, लिखो तो भी चलता है, पहले 1x लिखो या बाद में लिखो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो 6x + 1x उसके फैक्टर्स निकले। ओके, यहां पे हम देख लेते हैं 6 के ऐसे फैक्टर माइनस करके 5 आए, सेम आंसर आएगा 6x + 1x। समझो यहां पे हमने पहले 1x लिखा बाद में 6x लिखा, देखते हैं दोनों में क्या फर्क पड़ता है। ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी हमने समझने के लिए लिखा। अभी फ्रेंड्स यहां पे जैसे किया था 6 के ऐसे फैक्टर प्लस करके 5 है तो वो लिखा, यहां पे 6 के ऐसे फैक्टर माइनस करके 5 है वो हमने लिख दिया। अभी आई दोनों की साइन की बारी, तो माइनस है तो हमारा बेसिक रूल ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, अभी उसका रिवर्स, सब्ट्रैक्शन मींस ऑपोजिट साइन, सब्ट्रैक्शन मींस ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट यानी कौन सी? किसको प्लस किसको माइनस। ऑपोजिट यानी दोनों को अलग अलग, किसी एक को प्लस तो किसी एक को माइनस। तो क्वेश्चन होता है कि मैं 6x को प्लस दू या 6x को माइनस दू। समझो 6x को प्लस दिया तो इसको ऑब्वियसली माइनस ही मिलेगा, अगर मैं 6x को माइनस दू तो इसको प्लस मिलेगा, तो किसको क्या दू? तो फिर से एक वर्ड आया, सब्ट्रैक्शन मींस ऑपोजिट साइन एंड मिडल टर्म, बिगर डिजिट को मिडल वाली टर्म। मींस बिगर कौन? 6 या 1? 6। तो 6 को मिडल वाली साइन दे दो, 6 को मिडल वाली साइन, मींस बिगर को मिडल वाली साइन, मोटे को मिडल, ऐसा भी हम याद रख सकते हैं, मोटे को मिडल, बड़ा है उसको मिडल, बट मोटे को मिडल में वो क्रॉस बैठता है। तो 6x को प्लस, तो यहां पे प्लस, तो बचा कौन? माइनस। अभी यहां पे फ्रेंड्स देखे तो बड़ा कौन? 1x और 6x, 6x, 6x को मींस मोटे को मिडल, मिडल में क्या है? माइनस। यहां पे मिडल में क्या है? माइनस। तो ये क्या हुआ? माइनस, और ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो आपको चारों चार का जो डिफरेंस है वो पता चल गया होगा, यहां की जो साइन है कॉन्स्टेंट टर्म की उससे फैक्टर्स के प्लस करने हैं या माइनस वो पता चलता है, और मिडल टर्म की साइन है उससे जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं, जो हमने मिडल के दो टर्म को फाइंड आउट किया है, स्प्लिट किया है, उसकी साइन क्या रखने की वो पता चलता है। क्लियर? ये उसके हमने दो स्टेप ही लिए हैं, उसके फैक्टर्स किस तरह से निकाल रहे, उसके जीरोस किस तरह से फाइंड आउट कर रहे, उसके रूट्स किस तरह से फाइंड आउट कर रहे, जीरोस का प्लस और जीरोस के एडिशन या जीरोस की प्रोडक्ट किस तरह से करने की वो अभी हम देखते हैं। अभी इसके फैक्टर्स किस तरह से निकालने, जीरोस किस तरह से फाइंड आउट करने वो देखते हैं। यहां पे दो दो की पेयर, इन दोनों की पेयर, इन दोनों की पेयर। ओके, अब इस दोनों की पेयर में कॉमन क्या है? इस दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? एक्स, और अंदर क्या रहेगा? x + 2। यहां पे प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 3 × 1 = 3, और 6 के टेबल में भी 3 आता है, 3 × 2 = 7, तो 3 × x + 2। क्लियर? बाहर प्लस है, ये जो साइन है वो यहां पे आएगी। फिर से हमारा बेसिक वीडियो, आउटसाइड प्लस नो चेंज, बाहर प्लस है इसलिए अंदर की साइन चेंज नहीं हो, जैसा है वैसा। फ्रेंड्स यहां पे जब हम फैक्टर्स निकाले तब ये x + 2 और x + 2 कॉमन होने चाहिए। ओके, कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा, तो x + 2 जो कॉमन है उसको हमने एक बार लिखा, ये कॉमन निकलने के बाद क्या बचेगा? x, और यहां पे क्या रहा? +3। दूसरा फ्रेंड्स यहां पे k
क्या कॉमन निकलेगा जब पता ना चले, तब ये कॉन्स्टेंट टर्म और ये टू मीन्स यहां पे फर्स्ट टर्म का जो कॉन्स्टेंट है उस दोनों का डिवाइड कर दो, सिक्स और टू का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा थ्री, वो ही कॉमन निकलेगा, दोनों कॉमन हो गए, हमारा आंसर आ गया। इसको कहेंगे फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां की हम बात करें तो यहां पे क्या होगा फ्रेंड्स, फिर से यहां पे पेयर, इन दोनों की पेयर, इन दोनों की पेयर, इस पेयर में कॉमन x, x निकालने के बाद क्या रहा x माइनस टू, यहां पे माइनस, फिर से यहां पे भी कॉमन थ्री x इन टू। यहां पे मैंने साइन नहीं रखी, क्यों नहीं रखी फ्रेंड्स पता है, क्योंकि बाहर क्या है माइनस, आउटसाइड माइनस ऑल चेंज, जब आउटसाइड माइनस हो यहां पे जब माइनस हो तब अंदर की साइन चेंज होगी, हमारा जो बेसिक वीडियो है उसको फिर से देख लो, आउटसाइड माइनस ऑल चेंज प्लस क्या बन जाएगा माइनस, हो गया क्लियर। मींस यहां पे आप देख सकते हो x माइनस टू और x माइनस टू कॉमन आए, उसको एक बार लिखा तो रिमेनिंग क्या रहा x माइनस थ्री, तो दोनों में आप देखो तो आंसर सेम है, मीन्स वेरिएबल और डिजिट सेम है, x टू एक्स थ्री, एक्स टू एक्स थ्री, बट साइन चेंज है, दोनों की सेम साइन है, क्यों, क्योंकि यहां पे प्लस है यहां पे भी प्लस, प्लस मीन्स सेम साइन, दोनों की सेम साइन है, बट कौन सी है मिडल की, मिडल में यहां पे प्लस है तो दोनों को प्लस दे दिए, मिडल में यहां पे माइनस है तो दोनों को माइनस। अभी फ्रेंड्स ये हुए उसके फैक्टर्स, बट आपको जब पूछा जाए फाइंड द रूट्स, फाइंड द जीरोस, तब क्या करने का, तो जब भी फाइंड द जीरोस पूछा जाए तब इसके इक्वल जीरो होता है, क्या होता है जीरो होता है, ओके मतलब एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, प्लस टू उस तक जाएगा तो माइनस, तो माइनस टू, और यहां पे प्लस थ्री उस तक जाएंगे तो माइनस थ्री, जिसको कहते हैं ट्रांसपोजिंग, क्या कहते हैं ट्रांसपोजिंग। अगर आप किसी भी नंबर को या वेरिएबल को या डिजिट को इक्वल के दूसरी साइड जाने देते हो तो उसको कहते हैं ट्रांसपोजिंग। इसी तरह समझो इसके एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स के जीरो फाइंड आउट करने को कहे थे, तो यहां पे इक्वल टू में क्या आता जीरो, तो यहां पे एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, माइनस टू दूसरी साइड जाएगा तो प्लस टू, प्लस ना लगाए तो चलता है, यहां पे माइनस थ्री दूसरी साइड जाएंगे तो प्लस थ्री, प्लस ना लगाए तो चलता है। तो यहां पे इस तरह से दोनों के हमको जीरोस मिले। अगर आपको सिर्फ फैक्टर्स पूछे जाए तो आपको यहां तक ही करना है, आपको जीरोस पूछे जाए, रूट्स पूछे जाए तो आपको यहां तक जाना है। अभी फ्रेंड्स पूछा जाए फाइंड द सम ऑफ द जीरोस, क्या पूछा जाए फाइंड द सम ऑफ द जीरोस, तो जीरोस के सम क्या है, सम यानी ये माइनस टू और माइनस थ्री मिले उस दोनों का प्लस, सिंपल। अभी सिंपल आउटसाइड कुछ नहीं तो प्लस, आउटसाइड प्लस नो चेंज, आउटसाइड प्लस नो चेंज, सेम साइन एडिशन, टू प्लस थ्री फाइव, थ्री बड़े हैं माइनस है तो माइनस, तो ये जीरोस के क्या हुए सम हुए। सेम हियर सम ऑफ द जीरोस आपको पूछा जाए तो ये टू और ये थ्री का प्लस, यहां पे तो दोनों प्लस ही है मीन्स टू प्लस थ्री डायरेक्टली आप फाइव लिख दो, तो ये हुए सम ऑफ द जीरोस। अभी फ्रेंड्स पूछा जाता फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट यानी क्या मल्टीप्लीकेशन, माइनस टू और माइनस थ्री का मल्टीप्लाई, तो हमारे बेसिक वीडियो में हमने देखा था मल्टीप्लीकेशन जब हो या डिविजन जब हो तब उसका आंसर लिख दो, टू इंटू थ्री सिक्स। अभी नेगेटिव साइन काउंट करो कितनी बार नेगेटिव है, एक और दो, दो बार नेगेटिव मीन्स प्लस, प्लस ना लिखे चलता है, ये हमारा आंसर हुआ। यहां पे हम देखने जाए तो प्रोडक्ट टू और थ्री का मल्टीप्लाई टू, टू थ्री सात सिक्स, दोनों प्लस है प्लस, ये हमारा आंसर। मीन्स आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसके फैक्टर्स मीन्स यहां तक, उसके जीरोस मीन्स यहां तक, सम ऑफ द जीरोस मीन्स जो जीरोस मिले हैं उसका प्लस कर दो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मीन्स जो जीरोस मिले हैं उसका मल्टीप्लीकेशन कर दो। विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन भी हम सम ऑफ द जीरोस एंड माइन प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे। सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
समझने का। अभी फ्रेंड्स हमारे जो रिमेनिंग दो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स, सिक्स कैसे फैक्टर माइनस करके फाइव आए, सिक्स वन सर सिक्स, सिक्स में से वन जाएंगे तो फाइव आ जाएंगे, मीन सिक्स एंड वन। बिगर डिजिट को मिडल वाली टर्म, मोटे को मिडल, मोटा सिक्स है बड़ा वाला सिक्स है उसको मिडल, यानी कि यहां पे ये प्लस तो ये क्या हो जाएगा माइनस। सेम हियर सिक्स माइनस करके फाइव, सिक्स वन सर सिक्स, सिक्स और वन, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, पहले सिक्स लिखो बाद में सिक्स लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मिडल को मोटे को मिडल, मोटा है सिक्स उसको मिडल यानी माइनस है तो माइनस, और ये क्या हुआ प्लस। तो फ्रेंड्स ये हमारे हमने अब तक सीख लिया है। अभी इसके जीरो फाइंड आउट करना है, सॉरी इसके फैक्टर्स निकालने हैं, इसके जीरो फाइंड आउट करने हैं। तो हमने आगे जो देखा था वही, इन दोनों में दो दो की पेयर बनाओ, दो की पेयर बनाने के बाद क्या रहा एक्स एक्स प्लस सिक्स, यहां पे माइनस, कॉमन कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सिक्स और सिक्स का डिवाइड करो तो वन, ऐसे भी आप कर सकते हो तो वन एक्स और सिक्स, यहां पे फ्रेंड्स माइनस है इसलिए अंदर की साइन चेंज होगी, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहां पे माइनस है तो अंदर की साइन चेंज होगी। अभी फ्रेंड्स एक्स प्लस सिक्स और एक्स प्लस सिक्स कॉमन होने चाहिए, उसको एक बार लिखो एक्स प्लस सिक्स एक्स माइनस वन। ओके यहां पे हम देखने जाए तो एक्स कॉमन एक्स प्लस वन, यहां पे देखने जाए तो माइनस, दोनों में कॉमन सिक्स दिखाई दे रहे हैं एक्स, और सिक्स कॉमन होंगे तो वन, या सिक्स डिवाइड बाय वन करो तो सिक्स कॉमन और अंदर, बाहर माइनस है इसलिए ऑल चेंज, ये माइनस बन जाएगा प्लस। ओके अभी ये दोनों में एक्स प्लस वन कॉमन, क्या बचा एक्स माइनस सिक्स हो, तो ये हुए उसके फैक्टर्स। आगे बढ़े, समझा आपको पूछा जाता फाइंड इट्स जीरोस, फाइंड इट्स रूट्स, जीरोस फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इस चारों में से कुछ भी क्वेश्चन हो तो इक्वल टू जीरो होगा। ओके तो एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, प्लस सिक्स उससे जाएंगे तो माइनस सिक्स, माइनस वन उससे जाएंगे तो प्लस वन, ये उसके जीरोस हो गए, ये उसके क्या हो गए जीरोस। सेम हियर फाइंड द जीरोस आपको पूछा जाता तो सबके इक्वल जीरो लगा दे, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, प्लस वन उससे जाएंगे तो माइनस वन, और माइनस सिक्स उससे जाएंगे तो प्लस सिक्स, इसको कहते हैं ट्रांसपोजिंग। तो ये हमको जीरो मिल गए, क्लियर। अभी उसके समझो सम ऑफ द जीरो पूछे जाते तो क्या पूछा जाता, सम ऑफ द जीरो, तो सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू, हम उसका क्या करेंगे माइनस सिक्स प्लस वन, बाहर प्लस नो चेंज मीन्स माइनस सिक्स ऐसे, बाहर प्लस नो चेंज मीन्स वन ऐसे, ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, सिक्स में से वन गए फाइव, सिक्स बड़ा है माइनस है तो माइनस। सेम हियर सम ऑफ द जीरोस आपको पूछा जाता तो सम ऑफ जीरोस, तो हम क्या करते यहां पे जो माइनस वन है उसका और ये सिक्स का प्लस कर दे, बाहर प्लस नो चेंज, बाहर प्लस नो चेंज, ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, सिक्स में से वन गया फाइव, सिक्स बड़ा है प्लस है तो प्लस, तो ये हमको सम ऑफ द जीरोस मिले। अभी समझो आपको प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पूछे जाते हो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस सिक्स और वन का मल्टीप्लीकेशन, साइन को देखे बिना मल्टीप्लाई कर दो, सिक्स वन सर सिक्स, नेगेटिव कितनी बार है एक बार है तो लिखो आंसर आ गया सम ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑफ दिस जीरोस क्या हुआ माइनस सिक्स। हियर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस वन और सिक्स, सिक्स वन सर सिक्स, नेगेटिव कितनी बार है एक बार है तो लिखो, नेगेटिव कहां है वो इंपोर्टेंट नहीं है, देखो नेगेटिव यहां पे माइनस सिक्स के साथ है, यहां पे वन के साथ है, उसको कुछ लेना देना नहीं है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में नेगेटिव कितनी बार है वो इंपोर्टेंट है, कहां पे है वो इंपोर्टेंट नहीं है। तो इस तरह से हमको आंसर मिलता है सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अभी फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन हमने देखे उसकी एक शॉर्टकट ट्रिक देख लेते हैं। शॉर्टकट ट्रिक क्या कहते हैं,
समझो ये हम क्वेश्चन ले एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स, इसके जीरोस फाइंड आउट करो, आपको ऐसा फाइंड आपको कहा जाए तो ये ट्रिक में दो तरीके के मतलब दो टाइप होंगे। पहला है कि कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन हो तब किस तरह से होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन अभी हमने देखा है उसमें सभी में वन है तब क्या करना है, तो एक्स एक्स ऐसा आपको बना देना है। ओके सिक्स के ऐसे वेक्टर माइनस करके फाइव है, माइनस करके फाइव सिक्स वन सार सिक्स जो आपने यहां पे किया है तो यहां पे लिख दो सिक्स, यहां पे लिख दो वन। ओके अभी साइन माइनस करके फाइव है मीन्स सब्ट्रैक्शन मीन्स ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट मीन्स बड़े को बिग मोटे को मिडल, बड़ा डिजिट है उसको मिडल, तो बड़ा कौन है सिक्स, मिडल में कौन है प्लस, तो यहां पे क्या आएगा प्लस और यहां पे क्या आएगा माइनस। तो देखो फ्रेंड्स ये आ गया आंसर, ये प्रोसेस करने की उसमें जरूरत नहीं है, ये बीच में जो दो स्टेप आप देख रहे हो वो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं बट आफ्टर प्रैक्टिस। ओके समझो इसी क्वेश्चन में अभी इसके जीरो फाइंड आउट करने हैं तो इसके इक्वल टू माइनस सिक्स लिख दो, यहां पे प्लस वन लिख दो क्योंकि प्लस सिक्स उससे जाएगा तो माइनस, माइनस उससे जाएगा तो प्लस, फिर इसके जीरो फाइंड आउट करना, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना वो हम इजिली कर सकते हैं। और समझो कि यहां पे इसी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स होता तो फॉर्मेट बनाओ एक्स समथिंग एक्स समथिंग, सिक्स के ऐसे फैक्टर निकालो प्लस करके फाइव है, प्लस करके फाइव यानी थ्री एंड टू हुए। ओके अभी साइन की बारी, प्लस मीन्स एडिशन, जैसे सेम साइन एडिशन तो एडिशन मीन्स सेम साइन, सेम यानी कौन सी मिडल वाली, मिडल में क्या है माइनस तो दोनों को माइनस दे दो सिंपल। अब इसके जीरो फाइंड आउट करना हो तो एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स इज इक्वल टू टू, फिर दोनों का प्लस करो तो सम मिलेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट मिलेगी, तो इस तरह से हो सकता है। तो यहां पर आपने देखा फ्रेंड्स जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एकदम इजी ओनली इन वन लाइन में हम कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट हम हमारे लेक्चर में वीडियो में देखेंगे कि जब एक्स स्क्वायर का कुछ कोएफिशिएंट हो तब उसके फैक्टर्स सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किस तरह से फाइंड आउट करना और उसकी ये जो शॉर्टकट ट्रिक है वो किस तरह से यूज करना। तो आज यहां तक रखते हैं, बाय।